बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेज पर। श्रीनगर जैसे हमारा लाल चौक ज़्यादा फिट नहीं था, अब वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाल चौक को देख के दिल्ली की याद आ जाती है, तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने इतनी चेंजेस नहीं देखी है जितनी है मोदी जी की गवर्नमेंट थी। बहुत मैजिकल था, लग रहा था वो सच में रियल में ही सामने है या फिर ये सब कुछ ड्रीम। कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए, तो उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। वैसे ही मुझे लगता है कि 140 करोड़ ये सब मेरे परिवार वाले हैं, उनके सुख के लिए, उनकी भलाई के लिए मैं जितना कर सकूं उतना मुझे करना चाहिए। रेलवे में पहली बार सफर किया, अच्छा काफी लोग हैं, तो क्या अनुभव आया जब रेलवे में सफर किया तो क्या लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा आपको मालूम है ना आपके यहाँ बहुत बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बन रहा है। सर ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारा डिस्ट्रिक्ट यासी में बन रहा है, उसकी वजह से मेरे देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है इस वर्ल्ड में। देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अजायब है आपके लिए। जयपुर में आप लोगों को कौन सी बात अच्छी लगी? सर पहले हवा महल का कलर बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा वो। दिल्ली में कहाँ कहाँ गए? हम रेड फोर्ट गए और सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल गए, वहाँ पे भी हमने देखा वहाँ के आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और हम टेम्पल हाँ टेम्पल का बहुत ही अक्षरधाम गए थे जी। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? इतने सारे? हमने तो सुना था कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, हैं क्रिकेट भी खेलने लगे। देखिए जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल टैलेंट है उसमें खेल कूद एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमने देखा है कि अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेल कूद के लिए अगर अच्छा अवसर मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। आपके जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक बेटी जिसको दोनों हाथ नहीं है और वो आर्चरी में तीर कमान में गोल्ड मेडल लेके आ गई। सचमुच में उसने देश का नाम रोशन किया है, बहुत बड़ा काम किया है उसने। हमें अपने देश को जानना चाहिए। अगर आप नमो ऐप में जाएंगे ना तो नमो ऐप पर एक क्विज कंपटीशन चलता है, आपको उस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। 2047 में आप में से कुछ लोग 50 हो जाएंगे, कुछ लोग 45 हो जाएंगे, कुछ लोग 40 हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय ये है कि नहीं है? आप जिंदगी में जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, यही 25 साल है। देश के लिए भी यही 25 साल है। तो आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उस समय
पैदा हुए हैं, जब देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आप भी उसी गति से बड़े बनने वाले हैं, जीवन में विकास करने वाले हैं, नई चीजें प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बड़ी बड़ी ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज रियल में प्राइम मिनिस्टर देख के, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखे हुए हैं। आज हमारे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये फर्स्ट बार था हम सब का कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर किसी स्टेट अपनी को देखने के लिए आए हैं। आज हमने इतना तो नहीं सोचा था कि हमें प्रधानमंत्री मिलेंगे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इनके कि हम हमारे बच्चों के बीच में वो आए। हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर स्कूल बंद हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट की वजह से स्कूल भी खुले हैं, हाल क्लासेस चलती हैं। डेवलपमेंट की बात करें कि मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जो है रेलवे का बना है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली तो उनको देख के मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। मेरा मन करता है कि मैं कुछ बड़े होके बनूँ। कश्मीर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मैं उस तरह से अपने वतन के लिए फख्र हो रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं पहली बार, मतलब ज़िंदगी में पहली बार अपना सपना, मतलब वैसे वहाँ बहुत अच्छा लगा कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ, मतलब मोदी जी से मतलब मिल पाई। भारत माता की जय।